ओम शांति। अनुभवों की श्रृंखला की सीरीज में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम सब के बीच में अपने जीवन का विशेष प्रेरणादायी अनुभव सुनाने के लिए उपस्थित हैं ब्रह्मा कुमारी अर्चना बहन। ब्रह्मा कुमारी अर्चना बहन जो पिछले 14 वर्षों से इस ईश्वरीय ज्ञान में चलकर आपने घर गृहस्थ में भी कमल फूल समान जीवन व्यतीत कर अपने जीवन को विशेष अनुभवों से सजाया है। आपका अपना जीवन ही एक मिसाल है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी, ईश्वरीय सेवा करते हुए भी, अपनी सारी जिम्मेवारियां अदा करते हुए भी अपने जीवन को औरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनाना और जीवन में उमंग उत्साह खुशी के द्वारा और इस ईश्वरीय ज्ञान का अध्ययन करना आपकी विशेष रुचि है। तो आज हम सब के बीच में अपने जीवन के विशेष रूप से घर गृहस्थ में रहते हुए राजयोग का अभ्यास करके अपने जीवन को और सुंदर पवित्र जीवन बनाकर किस तरह से हम अपने जीवन औरों के लिए, औरों की सेवा के लिए इंस्पिरेशन बना सकते हैं, तो ऐसा सुंदर अनुभव हम सुनेंगे ब्रह्मा कुमारी अर्चना बहन से। ओम शांति। लगभग 14 वर्ष पहले हम लोग सपरिवार माउंट आबू घूमने गए थे, तो वहाँ पर हमने ब्रह्मा कुमारी आश्रम को पहली बार देखा और काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इससे पहले मेरी आध्यात्म की तरफ कोई रुचि नहीं थी। बचपन से मुझे सोशल सर्विस करने की बहुत इच्छा थी, लेकिन वो जैसे मदर टेरेसा या महात्मा गांधी या फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उन जैसा कुछ कार्य मैं भी करना चाहती थी। कुछ मुझे मौके भी मिले, लेकिन परिवार ने आगे बढ़ने नहीं दिया, तो वो इच्छा सदा मेरे मन में रहती थी। ऐसे मेरी कोई भक्ति भावना या भक्ति मैंने नहीं की, लेकिन भगवान को सदा बचपन से ही मैं मन में बातें करती थी, जैसे एक दोस्त से बातें करते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट शाय नेचर की थी और ज़्यादा किसी से बोलती नहीं थी, तो मन ही मन में परमात्मा से खूब बातें करती थी। तो मेरा पढ़ाई की तरफ भी बहुत रुचि थी। मैंने बहुत, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं हिस्ट्री के बारे में जानूँ, अपने देश के बारे में जानूँ, तो मैंने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया। तो उसमें भी मुझे एक उमंग रहता था कि जैसे स्वतंत्रता संग्राम में इतने सारे लोगों ने अपना जीवन जैसे पूरा न्यौछावर कर दिया, तो मेरे को कैसा मौका क्यों नहीं मिला। तो इस तरह से जीवन चल रहा था। मैं और मेरे जो हस्बैंड हैं वो दोनों बैंक मैनेजर थे और हमारे छोटे छोटे दो बच्चे थे, तो उस समय जीवन की गाड़ी चल रही थी। लेकिन क्योंकि एक करियर होता है तो उसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और घर की भी जिम्मेवारियाँ थी, तो मुझे कई बार ऐसा लगता था कि बहुत स्ट्रेस है जीवन में, क्योंकि दोनों तरफ निभा नहीं पाती थी। जितना हमारा पद आगे बढ़ता जाता है उतना जिम्मेवारी बढ़ती है, और टाइम मैं बैंक में ज़्यादा दे रही थी और बच्चों की तरफ नहीं दे रही थी। तो जब परिवार में आप अपनी जिम्मेवारियाँ नहीं अदा करते हो तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होती ही हैं, काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लगी, तो उससे मन जो है वो बहुत विचलित होता था। ऐसा लगता था कि कोई ऐसा सच्चा साथी मिले जिससे मैं अपनी भरपूर बातें कर सकूं, मन का पूरा सब कुछ मैं निकाल सकूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो कुछ गलत नहीं करती, लेकिन औरों को लगता है कि पता नहीं ये कैसे कर रहे हैं। तो
काफ़ी अंदर से ये लगता था कि कोई मुझे सुने, कोई मुझे समझे, कोई मुझे शक्ति दे। तो कभी नेगेटिव होना मुझे पसंद नहीं होता था, लेकिन परिस्थितिवश पॉजिटिविटी मेरी ख़त्म हो जाती थी और सदा मन नेगेटिव की तरफ ही रहता था। तो ये बाद में मुझे पता चला जब मैं इस विश्वविद्यालय से जुड़ी कि हमारे अंदर जो शक्तियाँ तो हैं, सहन शक्ति भी है और पॉजिटिविटी भी है, लेकिन सर्कमस्टांसेस में हमारी जो शक्तियाँ हैं वो दब जाती हैं और जो दूसरे ये नेगेटिविटी का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत जल्दी पड़ता है। तो इससे निकलने के लिए मेडिटेशन ही एक साधन है, जिस मेडिटेशन से हम अपने जीवन को बहुत खुशहाल और मन को शक्तिशाली बना सकते हैं। तो हमने जब माउंट अबू गए तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो थोड़े स्पिरिचुअल विचारों के हैं, तो उन्होंने वहाँ पता चला कि पहले आपको 7 डेज़ का कोर्स करना पड़ता है, तो उन्होंने 7 डेज़ कोर्स किया। फिर उसके बाद मैंने भी किया, क्योंकि यहाँ पे बताया जाता है कि सिर्फ एक सिंगल व्यक्ति अगर परिवार से जुड़ता है स्पिरिचुअलिटी से तो काफ़ी मतलब इतना अच्छा माहौल नहीं बना पाता, अगर पूरा परिवार जुड़े तो पूरा परिवार ही जैसे एक खुशबूदार जीवन व्यतीत कर सकता है। क्योंकि मेडिटेशन क्या है, ये पॉजिटिव वृत्तियाँ हैं, पॉजिटिव एक वाइब्रेशंस हैं और कुछ भी नहीं है, ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं जो कि हम एक दूसरे में बांटते हैं, हमसे ये पूरे वायुमंडल में फैलता है और जिससे आसपास के लोगों को भी शांति और सुख की फीलिंग होती है। तो ये चीज़ हमको मेडिटेशन से अनुभव हुई कि कैसे हम अपना सब कार्य करते भी, मेडिटेशन का अर्थ ये नहीं है कि हमको जाके जैसे कोई आश्रम में बैठ जाना है या कहीं हिमालयाज में जाके हमको तपस्या करनी है। मेडिटेशन का अर्थ है कि हम घर गृहस्थ में रहते भी, हम अपने कार्य करते भी, हम अपनी बुद्धि को उस परमात्मा से जोड़ सकते। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे एक ऐसा लगा कि जिस साथी को मैं ढूंढ रही थी वो परमात्मा सदा मेरे साथ रहता है, सदा मेरी रक्षा करता है, सदा मेरा दोस्त बन के चलता है। तो एक नया उमंग, उत्साह, एक नई शक्ति मुझे अपने अंदर महसूस होने लगी। तो जब मैं बैंक में काम करती थी तो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ मेडिटेशन का, कि वहाँ पर जहाँ मैं बैठती थी वहाँ पे करोड़ों के लोन्स होते थे। तो एक 13-14 करोड़ की एक कंपनी थी जो कि फेल हो गई थी और वो एक्सपोर्ट कंपनी थी, तो उसमें से कुछ 4-5 करोड़ जो थे वो सरकार की तरफ से इंश्योर्ड थे जो मिलने थे। तो वो पैसे लेने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और अगर मेरा एक भी कदम गलत जाता तो 2-3 व्यक्तियों की नौकरी चली जाती, तो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये कार्य मुझे सौंपा गया था। तो जब मैं वहाँ गई, वहाँ जो ऑफिसर थी वो भी एक लेडी थी, उनसे मिली तो वो पता चला बाय चांस कि वो मेरे ही कॉलेज की पढ़ने वाली निकली। तो एक जैसा एक बैकग्राउंड बन गया और मैं सुबह रोज़ 4 बजे उठ के अमृत वेला हम उसको बोलते हैं मेडिटेशन करती थी और मैं उस ऑफिसर को इमर्ज करती थी कि ये जो हमारा कार्य है ये आपके द्वारा होगा और हमारा जो ये कार्य है ये सफल होगा। तो जो वाइब्रेशंस हैं, बहुत अच्छे वाइब्रेशंस, वो जैसे दूसरों को टच होते हैं जब आप मेडिटेशन करते हो, और वो जो हमारा कार्य है वो एकदम जितना अमाउंट था पूरा का पूरा हमको मिला। तो ये मतलब मिसाल जो है ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, जो जब लोग पूछते कि आपने कैसे किया तो ये मैं कहती कि ये मैंने नहीं किया है, ये जो मेडिटेशन से मुझे शक्तियाँ मिली हैं उसके द्वारा ये कार्य संभव हुआ है। तो ऐसे जीवन चलता गया, हमारा जीवन जो पहले थोड़ा सा खटास थी संबंधों में वो सब ठीक होता गया, बहुत अच्छा होता गया और जैसे हम एक दूसरे के कंपेनियंस बन के चलने लगे, हंसी खुशी से जीवन बीतता गया। फिर मैंने डिसाइड किया कि ये जो जॉब है ये तो मेरा बहुत टाइम ले रही है और बच्चों की तरफ ध्यान नहीं हो रहा है, तो मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो ये कोई इंस्टेंट डिसीशन नहीं था, हमने 2 साल लगाए, सोचा समझा, उसके बाद मैंने जॉब छोड़ी। तो ऐसा कमाल है कि वैसे लोग सोचते हैं कि 2-2 कमाते हैं तो एक छोड़ देगा तो घर का खर्च कैसे चलेगा, लेकिन
ऐसा कमाल हुआ कि मेरी जॉब छोड़ते ही मेरे हस्बैंड की जो सैलरी थी वो 3 times बढ़ गई। तो कोई धन की भी परेशानी नहीं होती है, अगर आप सच्चे राह पे चलते हैं तो वो सच्चा साथी सदा आपके साथ चलता है। फिर चलते चलते क्या हुआ कि मेरे बच्चे जो हैं वो बड़े होने लगे, तो मेरा बड़ा बेटा जो है वो थोड़ा सा बैड कंपनी में आ गया। वो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देता था, सारा दिन इंटरनेट और जो जो आजकल के बच्चे जिस तरफ जा रहे हैं वैसी वृत्तियाँ होने लगी। तो वैसे तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, डांटते हैं, डराते हैं, उनको मारपीट भी करते हैं, लेकिन मेडिटेशन से क्या हुआ कि मैंने उसके लिए योग किया। और यहाँ हमको बताया जाता है कि आप जब भोजन बनाते हैं परमात्मा की याद में बनाते हैं तो उस भोजन में इतनी शक्ति होती है कि जो उसको ग्रहण करता है उसकी भी बुद्धि जो है वो पॉजिटिव बनती जाती है। तो हमने इसी रीति से उसको किया और आज वो इतना परिवर्तन हो गया है कि वो बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ रहा है। तो इस तरह से जो जीवन है ये बहुत सुखमय हो जाता है। फिर जब हम इस संस्था से जुड़े थे तो कई लोग कई तरह की बातें बोलते हैं कि आप ऐसा जीवन कैसे जियोगे, ये तो आपको समाज से काट देंगे, आपका खान पान जो है वो कैसा है, आप तो हमसे मिलते जुलते नहीं हो। तो कई लोगों का हमसे क्या हो गया कि किनारा हो गया, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि हम तो अच्छा कार्य कर रहे हैं ना, तो फिर किसी को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो चलते चलते ऐसा हुआ कि हमारा जीवन जो है इतना पॉजिटिव बना कि वो लोग जो हमारा विरोध करते थे वो भी इससे जुड़ गए। तो आज मेरे इन लॉज, मेरी पेरेंट्स, मेरा भाई, मेरी ननद, ये सब जुड़े हुए हैं इस संस्था से, और वो भी इस संस्था से जो पॉजिटिविटी है उससे अपने जीवन को संवार रहे हैं। फिर जब लोग बोलते हैं तो कई क्वेश्चंस भी मेरे मन में उठे कि ये जो लोग कह रहे हैं ये सत्य है क्या, सच में ईश्वर की शक्तियाँ आपको अपने जीवन में मिल जाती हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो ऐसे यहाँ पर एक प्रोग्राम होता है परमात्मा अनुभूति का, तो माउंट अबू जाते हैं उसके लिए। तो मैं जब पहली बार वहाँ गई तो मुझे इतना अच्छा लगा, वहाँ के जो वाइब्रेशंस और वहाँ के जो भाई बहन इतनी निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। और वहाँ पे मैंने देखा कि कई फॉरेनर्स भी आए हुए थे, तो ये फॉरेनर्स जो हैं वो तो अपने लाइफस्टाइल को कितना उन्होंने चेंज किया, कितना सात्विकता अपने जीवन में आई। तो उनको देख के मुझे लगा कि अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो एक दृढ़ता आई। और वहाँ पे मैंने देखा कि ये कोई संस्था नहीं है, ये एक परिवार है। जैसे परिवार में हम सब भाई बहन होते हैं, वैसे हमारा भी ये एक परिवार है जिसमें हम एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हम शक्तियों से और खुशियों से भरपूर करते हैं। तो जब ये खुशी मेरे जीवन में आने लगी तो मुझे लगा कि मुझे भी तो देना चाहिए ना जो मुझे मिल रहा है। तो मैं भी कुछ न कुछ सेवा जो मुझे यहाँ मिलती उसको मैं करने लगी। तो वो सेवा जब मैं करती थी तो मुझे इतनी आंतरिक खुशी मिलती थी जिससे मुझे लगा कि जो लाखों रुपए मैंने कमाए बैंक में नौकरी करके उससे भी कभी मुझे वो खुशी नहीं मिली, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिली जो यहाँ पे 2 घड़ी की सेवा करने में मिलती है। यही सच्ची सेवा है, सच्चा पुण्य यहीं जमा होता है। तो परमात्मा ने इतना मुझे वो पता नहीं कैसा जादू यहाँ पे किया कि मुझे खुद ही, कल तक मैं खुद खुशी प्रेम शांति ढूंढ रही थी और अब मुझे ऐसा बना दिया कि मैं लोगों को वही चीज़ दे रही थी, परमात्मा की वो शक्तियाँ उनमें बांट रही थी, उनको मेडिटेशन के बारे में बता रही थी। तो ये एक अद्भुत सा कमाल जो है वो अपने आप से नहीं होता। आप सोचिए एक इंट्रोवर्ट पर्सन वो बोल भी नहीं सकता है और इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, तो ये सब परमात्मा शक्तियों का ही प्रभाव है। ओम शांति। हमने राजयोग का अभ्यास कई वर्षों से कर रहे हैं। तो शुरू में जब हमने इस यज्ञ में, इस सेवा में, इस संस्था में आए तो पहले तो पहला दिन ही जैसे आते ही बहनों ने जैसे हमको बैठाया और परिचय कराया
प्रदर्शनी समझाई, उसके बाद ऐसा लगा कि बहने मेरे को निमंत्रण दिए कि कल से आप आ जाओ और 7 दिन का कोर्स करना है। तो इसमें ऐसा हुआ, मैं बोला 7 दिन का कोर्स कल से करें, नहीं आज से करें। तो बोला आज टाइम है आपके पास? मैं बोला हाँ टाइम है, क्योंकि मैं 2-3 दिन से ढूंढ रहा था सेंटर, मिला नहीं था। तो जैसे मिला तो और अंदर जाने से ऐसा अनुभव हुआ, कुछ अच्छा लगने लगा। उस टाइम तो पता नहीं होता था, हम दुनिया में रीति पे जाते थे। तो 3 दिन के अंदर कोर्स पूरा हुआ। कोर्स पूरा होने के बाद मैं मुरली सुनने लगा। उसके बीच में एक दिन गुरुवार आया, तो गुरुवार को यहाँ सदगुरु को भोग लगता है, तो भोग लगने में मुझे भी भोग दिया गया। तो ऐसा बहुत अच्छा लगने लगा। भोग ऐसे नहीं देते हैं जैसे मंदिर में थोड़ा सा 2 चावल 2 बूंदी ऐसे दे दिए, ऐसा नहीं, पूरा प्लेट में बड़ा तरीके से सजा के जैसे बहनों ने दिया। तो काफ़ी अपनापन अनुभव हुआ, जैसे घर में कुछ नाश्ता कर रहे हैं ऐसा लगा। तो उसके बाद हर गुरुवार को मेरा इच्छा था कि 7 दिन के बाद फिर मैं फ्री हो जाऊंगा, फिर उसके बाद देखेंगे। लेकिन 3 दिन के बाद ऐसे लगा कि मैं रोज़ ये जो सुबह जो ज्ञान सुनाते हैं, जो समझा नहीं दिया जाता है, उसको भी मैं अटेंड करूँ। तो दीदियों ने मना किया, बोला कि पहले ना आप 7 दिन का कंप्लीट करो, फिर जाके अंदर जा सकते हो। मैं बोला ऐसा क्या है? तो उमंग मन में एंग्जाइटी ईगरनेस आया ना कि कैसा क्या होता है। तो धीरे धीरे हम जब कोर्स कंप्लीट हुआ, फिर जब क्लास में हमको बैठाया गया या परमिशन दिया गया कि तो आप भी बैठ सकते हो, तो उसके बाद एक दिन भी मिस नहीं हुआ, क्योंकि जीवन को ना अच्छा लगने लगा। मन में एक अपने आप एक ऑटोमेटिक चल रहा था कि कितनी अच्छी बात सुनाते हैं। मैं भी एक डायरी, बोले दीदी बोले कि आप डायरी भी लेके आओ, पेन लेके आओ। तो मैं नोट करता था, पहले हिंदी समझ में भी कम आता था, लिखने भी नहीं आता था। तो हम नोट करने लगा, नोट भी हिंदी लिखने नहीं आता था, तो मैं कुछ अपने भाषा में लिखता था, कुछ इंग्लिश में लिखता था और बीच बीच में हिंदी लिखता था। तो ऐसा करते करते अभी ऐसा हुआ कि पूरा हिंदी मैं लिख सकता हूँ। तो साथ साथ ऐसा हुआ कि मैं बैंक में नौकरी करता था और जीवन थोड़ा सा, जैसे सुबह उठते थे हम 5-6 बजे और हमेशा भागा भागी रहता है, बीच में सुबह उठते ही न्यूज़ देखना और साथ साथ जो थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करना, फिर नहीं तो टाइम से सब्जी लेने जाना या दुकान में कुछ ग्रोसरी आइटम्स के लिए, तो ऐसे सुबह का टाइम निकल जाता था। फिर शाम को भी, हम लोग छोटे जगह पे थे तो शाम को भी जल्दी आ जाता था, लेकिन शाम को आते ही वही सीरियल देखना, यही रूटीन था। लेकिन जब हमने राजयोग का अभ्यास किया तो थोड़ा टाइम चेंज हुआ उसमें, और सुबह सुबह जल्दी उठना अच्छा लगने लगा। और रामदेव का व्यायाम प्राणायाम वगैरह करता था मैं, अभी धीरे धीरे उस छोड़ गया तो मेडिटेशन में करने लगा। प्राणायाम भी कर रहा हूँ, मेडिटेशन भी साथ में करने लगा, तो उसका शरीर पर असर पड़ा। फिर धीरे धीरे मेरे जो अभ्यास थे, क्योंकि पैसा की तो हम दोनों कमाते थे, हमारे युगल और हम दोनों कमाते थे, दोनों सर्विस थे बैंक में, पैसा तो खूब था लेकिन फिर भी कमी थी मन में, बहुत हमेशा कमी पड़ती थी पैसा दोनों कमाने के बावजूद भी। और जितना बैंक में होने के कारण बहुत सारे लोन मिलते हैं हमको, तो बहुत सारे लोन हमने ले रखे थे जिसमें और आगे कोई लोन लेने की मार्जिन ही नहीं थी, तो इतना सारा हमारे ऊपर डेट का बर्डन था। तो सुबह का रूटीन चेंज हो गया, मुरली सुनने हम जैसे रोज़ सुबह ज्ञान सुनने आते हैं जो अच्छा लगता था, तो उसमें भी 1-2 घंटा निकला। शुरू में तो थोड़ा टाइट लगने लगा, लेकिन 5-7 दिन के बाद जब मन को अच्छा लगने लगा ना, तो टाइम समय ऑटोमेटिक निकलने लगा। फिर ऐसा लगा कि शाम को भी हम आए, क्योंकि छोटी जगह थी तो हम शाम को भी सेंटर जा सकते थे, सो शाम को भी कभी कभी जाते थे। तो पहला दिन जब कोर्स किया, आत्मा का दीदी ने बताया हमको कि आत्मा ऐसा ऐसा होता है, उसके मन बुद्धि संस्कार होता है। तो उसके बाद अचानक मेरे को बहुत अंदर से ऐसा लगा कि मैं सबको बताऊं इस चीज़ को। तो वहाँ पे मैं आके अपना मिसेज को बताया कि ऐसा ऐसा दीदी ने कल बताया, आत्मा के अंदर ना 3 प्रकार के चीज़ होते हैं, मन बुद्धि संस्कार, और 7 गुण भी होते हैं। तो ऐसा ऐसा बताने लगा, तो मन में एक नया चीज़ था, बिल्कुल अच्छा लगने लगा।
तो ये जो अच्छाई लगना, ये एक अंदर को, अंदर शरीर से कुछ नहीं परिवर्तन आया, लेकिन अंदर मन को बुद्धि को अच्छा लगने लगा, तो हमारे विचार अच्छे होने लगे। मैं ऑफिस में काम करते करते थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन करने लगा, थोड़ा वो सॉन्ग्स ब्रह्मा कुमारी के सॉन्ग्स बजाने लगा और अपने आप सुनने लगा। तो इससे क्या हुआ ना, अपना मेरे ब्रांच में ब्रांच मैनेजर था, तो पूरा ब्रांच का वातावरण बदलने लगा, मेरा व्यवहार में परिवर्तन होने लगा। मैं पहले बहुत चिल्ला के बोलता था या झगड़ा, बहुत जल्दी कस्टमर से झगड़ा करना, स्टाफ से झगड़ा करना, तू मैं होता है जैसे नॉर्मली, तो वो सब एकदम से परिवर्तन हुआ। तो जो मेरा स्टाफ था उसको भी अच्छा लगने लगा, वो मुस्लिम भाई था, उसको भी जैसे मेरा परिवर्तन देख के उसने बोला कि मैं भी जाऊँगा आपके पास। बोला आओ, हमारे यहाँ तो सभी धर्मों के आते हैं बच्चे, क्योंकि भगवान होता है, भगवान कोई एक धर्म के लिए नहीं है, भगवान सभी धर्मों के लिए है। तो भगवान तो वो भी, मैं जो प्रोग्राम होता था मैं उनको बुलाता था तो आते थे खुशी से, और एक ब्राह्मण भी थे राजपुरोहित, वो भी आते थे। ऐसा करते करते मेरे अंडर में 5-7 गाँव थे जिसको हम छोटे से ब्रांच से कैटर करते थे, तो सभी ब्रांच सभी गाँव में मैं जाता था ना, तो अलग से उनका माहौल बनता था, क्योंकि पहले से ही हम लोग बहुत शुद्ध थे, कोई करप्शन नहीं, कहीं से कुछ पैसा लेना देना नहीं। तो उनके ऊपर, और जब हम स्पिरिचुअली थोड़ा सा अपना नज़रिया बदल गई और खुश रहने लगे और सबकी सहयोग देना, ये एक भाव अंदर से उत्पन्न हुआ, क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं, एक आत्मा आत्मा भाई है। तो जो भाई के नाते हम देखते थे तो एक संपर्क संबंध में और मतलब घनत वो आता था, डीपनेस, तो ये अच्छा लगने लगा। फिर ब्रांच में जैसे जैसे व्यवहार चेंज हुआ तो मेरा पोस्टिंग में भी, मेरा जो कंट्रोलर थे या बड़े जो थे सीनियर्स, उन्होंने भी अपने आप मदद करने लगे कि ये अच्छा आदमी है। तो इससे क्या हुआ ना, ना जीवन में एक अपने आप के कॉन्फिडेंस आया, आत्मविश्वास बढ़ने लगा कि मैं भी एक अच्छा आदमी बन सकता हूँ। तो मैं फिर थोड़ा सा गहराई से इसको अध्ययन किया, गहराई से जब अध्ययन किया, हम दोनों इस राज्यों को बड़े गहराई से करने लगे, तो हमारा पिता माता भी आने लगे, मेरे इन-लॉज भी आने लगे। मेरा इन-लॉज का सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ कि वो मेरा फादर इन-लॉज जो है वो सिगरेट और शराब, इनके बिना रह नहीं सकते थे बिल्कुल भी, क्योंकि रिटायर्ड भी हो चुके थे, पिछले 30-40 सालों से वो इस नशे में थे बिल्कुल। और जब भी मैं भी शराब पीता था और सिगरेट वगैरह रेगुलर था, मेरा तो छूट ही गया, पता ही नहीं चला कब छूटा, लेकिन उनका बड़ा भयंकर मतलब बहुत परिवर्तन आया। वो इस उम्र में 60 साल से ऊपर के उम्र में उन्होंने अपना सिगरेट भी छोड़ा, अपना शराब छूट गया, और एकदम से उनका अचानक परिवर्तन आया। वो रंगीन कपड़ा पहनना भी छोड़ दिए, जबकि हमारे ब्रह्मा कुमारीज में ऐसा कोई बंधन नहीं है कि रंगीन कपड़ा नहीं पहनना है, लेकिन उन्होंने रंगीन कपड़ा पहनना छोड़ दिया। और मेरा फादर मदर इन लॉ साथ में, ब्रदर इन लॉ भी यंग है, तो उन्होंने भी राज्यों का अभ्यास किया, अभी कर रहे हैं वो। तो ये सब परिवर्तन देख के एक हमारा माहौल बन गया। और मेरा पिताजी जो थे वो गुरु के बड़े भक्त थे, तो उन्होंने भी गुरु किया था, मुझे भी गुरु कराए थे, तो उनको कई बार मैं प्रेरणा देता था, लेकिन वो उल्टा मुझे कभी अलग तरीके से बोलते थे। लेकिन धीरे धीरे मैंने योग का प्रयोग से और जैसे मेडिटेशन करके जब उनको फिर प्रेरणा दी, तो उन्होंने भी चलने लगे और मेरा माताजी भी चलने लगे, माता पिता दोनों चलने लगे। तो ऐसे पूरा परिवार जब चलने लगा, एक घर का माहौल अलग हो गया, जैसे शांति हो गई। और बच्चों में भी देखो, बच्चों में भी बच्चे, आजकल के बच्चे बाहर खाना और टीवी देखना, ये सब चीज़ में कितना बाह्यमुखता में रहते हैं, और हमेशा अच्छे अच्छे चीज़ में पहनना, खेलना, अपना मोबाइल में, तो ये सब चीज़ में हम देखे कि हमारे बच्चे देखे, मैं कंपेयर करता था दूसरों के बच्चों से और हमारे बच्चों से, क्योंकि हमारे घर में रोज़ मेडिटेशन हम करते हैं, हम फादर मदर हम दोनों, तो हमारा बच्चों में वो संस्कार नहीं रहा कि बाहर खाऊं और ये टीवी देखूं और ऐसे गेम्स खेलूं। ये सब चीज़ में अब बिल्कुल ही न्यारा हो गए वो लोग। दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो ये अच्छी बात है, क्योंकि आजकल बच्चे मोबाइल से दूर ही नहीं हो पाते हैं, व्हाट्सएप कहो, फेसबुक कहो, और ये सब चीज़ कितने हमारे बुद्धि को स्लो करता है। ये जब हम
देखते हैं बच्चे कितने जल्दी गुस्सा करते हैं, तो हमारे बच्चे में ऐसा नहीं देखा मैंने कभी भी। तो और उनको खान पान बाहर के इतने सारे अच्छे अच्छे चीज़ जो बाहर के हिसाब से होटल में तो खाने को मन करता है, लेकिन वो कभी नहीं हमारे पास डिमांड रखते हैं कि हम करें कुछ, ऐसा डिमांड हमारे पास नहीं आता कभी भी। और साथ साथ मैंने देखा अपना प्रोफेशनल लाइफ में भी कि कभी भी मैं ऑफिस में जाता था तो ऑफिस में कोई चीज़ का कभी भी कोई अनुभव होता था कि कोई गुस्सा करके आ रहा है कस्टमर्स, क्योंकि वो गुस्सा करता है तो हम उसके ऊपर और गुस्सा करते हैं, उसका समस्या समाधान नहीं करते हैं, उल्टा हम अपना ईगो में लाके और झगड़ा वगैरह होता है और थोड़ा सा मामला अलग तरफ चला जाता है। तो एक बार एक अनुभव हुआ कि जैसे मैं कलकत्ता में था ब्रांच मैनेजर, तो बड़ी ब्रांच थी, बहुत कस्टमर से बहुत एजुकेटेड है, काफ़ी रिटायर्ड IAS, रिटायर्ड DG, रिटायर्ड अपना आर्मी चीफ, वहाँ पे हम लोग के पास कस्टमर उनका अकाउंट्स था तो वो आते थे, तो थोड़े से उनके मन में रहता है ना कि मैं इतना बड़ा पोस्ट में रिटायर्ड हुआ हूँ, तो उनको सम्मान हम बहुत प्यार से देता था। जर्नलिस्ट भी आते थे तो उन सबको प्यार देता था। एक दिन अचानक क्या हुआ, एक प्रोफेसर रिटायर्ड थे, काफ़ी बुजुर्ग थे, वो आए और उनका मन में कुछ उनका काम नहीं हुआ होगा या जो भी हुआ होगा, तो उन्होंने अचानक चिल्लाना लगे हमारे ऊपर। हम नीचे खड़े थे, हम ब्रांच मैनेजर, ब्रांच के हेड, तो अब हमारे ऊपर जब चिल्लाने लगे तो बाकी सब कस्टमर्स का दृष्टि हमारे ऊपर आई कि कैसे कर रहे हैं। तो मैंने बिल्कुल शांत रहा, और जब हम लोग रोज़ ज्ञान सुनते हैं तो हमारा वो संस्कार में आ जाता है ना, तो हम सहज ही लिए उसको। फिर उन्होंने अपना गुस्सा करके जो भी बोलना था बोल के चले गए। तो उस दिन हमने फिर शाम को थोड़ा सा एक्स्ट्रा योग किया, और सुबह तो योग करते ही हैं, तो योग करने के बाद अगले दिन जब गए तो अगले दिन वो अचानक आए हमारे पास, आके हमको गले लगाया, बड़ा प्यार से दो शब्द बोले, बड़ा थैंक यू बोले। अब मेरे को समझ में नहीं आया, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था और ऐसा अभी भी कुछ मैं नहीं कर लिया कि जो मेरे को थैंक यू बोले, लेकिन वो उसके बाद जब भी मिले बड़ा प्यार से, बड़ा स्नेह से। तो इससे मेरा ये अनुभव हुआ कि राजयोग अभ्यास से जब हम मन शांत हो जाता है और हम दूसरे से इच्छा ही नहीं रखते हैं, तो अपने आप दूसरा व्यक्ति जब देखता है, अनुभव करता है, तो अपने आप वो परिवर्तन हो जाता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं ना, दूसरों से इच्छा रखते हैं और दूसरों को परिवर्तन करने के लिए कोशिश करते हैं, इसमें हम अपने आप को बदलते हैं। और एक अनुभव है कि शुरू से जब हमारा इतना सारा लोन था तो उसमें हमारे पास हमेशा कमी पड़ती पैसा की, हम दोनों कमाते थे, कमी पड़ती थी, लेकिन ऐसा हुआ कि जब राजयोग के अभ्यास से हमारा खान पान में शुद्धता आई और बाह्य मुक्ता में कमी आई, तो उससे क्या हुआ ना, हमारे पैसे भी बहुत बचने लगे। तो इससे हुआ कि हमारा सभी लोन एकदम से दो तीन साल के अंदर सभी लोन चुक गए, और एक जब धन का भी कमी होती है ना तो एक टेंशन सा रहता ही है, लेकिन वो टेंशन एकदम से धीरे धीरे दो तीन साल में निकल गए, क्योंकि धन हमारे पास जितने थे उतना हम खर्च करने के लिए खर्च होता ही नहीं था हमारे पास। तो बाकी हम देखेंगे तो सभी का मन में एक ही आता है कि सब जितना भी कमाए संतुष्टता नहीं रहती है, लेकिन राजयोग के अभ्यास से जब मन की शांति मिलती है, मन में सुख अपने आप हम इमर्ज करते हैं और परमात्मा से शक्ति लेते हैं, तो बाकी चीज़ जो दुनिया की इच्छाएं वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो वो सब कम होने से फिर हमारा खर्चा भी बचता है, साथ में समय भी बचता है। लेकिन हम देखते थे पहले हम जमाने में, हम जब दोनों कमाते थे एक बार गाते थे, रोज़ बाहर खाना, रोज़ नहीं तो हफ्ते में 3-4 दिन तो बाहर खाते थे, क्योंकि दोनों कमाते थे, घर में खाना बनाने के लिए कोई नहीं होता था, तो हम खुद जाके क्या खाना बनाएं, फिर हम बाहर से खा के आते थे। तो इससे पैसा ही बर्बाद होता था और साथ साथ हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ता था, तो हम देखे बहुत बीमारी हो अंदर अंदर पनपती थी। तो धीरे धीरे देखा कि शरीर भी ठीक होने लगा और पैसा भी बचने लगा, तो एकदम से संकल्प आया कि हम दो क्यों कमाएं, एक में से पूरा खर्च नहीं कर पाते हैं, तो सब लोन तो चुक गया है, अब घर का कोई बर्डन नहीं है, बच्चे छोटे हैं, बच्चों को हम पालना दें, बच्चों को संस्कार दें, जब माँ घर में रहती है तो उसका पालना का प्रभाव बहुत पड़ता है, ऐसे तो बच्चे नहीं माँ बाप होते तब भी पल जाते हैं, लेकिन जब हम हैं और हम पालना दे सकते हैं, हमारे पास
ठीक ठाक पैसा हम इनकम कर लेते हैं, तो हमने फिर मिसेस ने सर्विस छोड़ी। सर्विस छोड़ी तो घर में एक अलग से खुशी हो गई, कैसे ना, बच्चों को पहले कुछ दिन तक तो बच्चे, हम दोनों नौकरी करते थे, तो माँ खाना बनाए के सुबह जाएगी और रात को आई खाना बनाएगी, वही खाना को खाना नहीं खाना, बाहर की चीज़ खा लेना। अब धीरे धीरे जब वो घर में रहने लगी तो बच्चों को भी खुशी होने लगा, बच्चों के इच्छा के मुताबिक कुछ खाना बनाना, ये भी समय मिला, तो इससे परिवार का माहौल में परिवर्तन आया और जीवन में खुशहाली और शांति अनुभव होने लगा। और समस्याएं तो सबके जीवन में आते हैं, मनुष्य, हम भी मनुष्य हैं, हमारे जीवन में समस्या आते हैं, लेकिन समस्या का समाधान करने का तरीका समझ में आ गया, वो तरीका मिल गया। जब राजयोग करते हैं, यहाँ पे हमेशा बोला जाता है कि सभी को आत्मिक दृष्टि में देखो, क्योंकि परमात्मा के बच्चे हैं, सब आत्माएं हैं, और वो आत्माएं मेरे, परमात्मा के बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, हम सब भाई भाई हैं। तो एक स्नेह मन में उत्पन्न करके जब हम कर्म करते हैं, किसी को राग द्वेष या बदले की भावना नहीं रहता है, तो हमारा ऑफिस में भी और घर में भी, घर में तो है ही, ऑफिस में भी जीवन बदलने लगा, जीवन का शैली बदलने लगा। और एक शुद्ध विचारधारा में रहने से अपने पास जो आते हैं उनको भी थोड़ा सुकून अनुभव होने लगता है। तो कोई कई कई आत्माएं आते हैं, जैसे भाई बड़े हमारे सीनियर्स भी आते हैं, तो आते ही हमको देखते ही ओम शांति बोलते हैं, तो इससे अनुभव होता है कि उनको कुछ अनुभव होता होगा या उनको अच्छा लगता होगा। कोई कई फ़ोन करके भी बोलते हैं, तो ऐसे जीवन को अच्छा बनाने के लिए ये एक राजयोग एक सरल माध्यम है, जिसके द्वारा हम अपना जीवन को अच्छा बना सकते हैं, अपनों के साथ साथ अपना परिवार और अपना समाज को कुछ अच्छाई की तरफ लेके जा सकते हैं। ओम शांति।
सदा साथ रहना सदा, बस यही है मुझे तुझसे कहना सदा, साथ रखना सदा साथ रहना सदा, बस यही है मुझे तुझसे कहना सदा, साथ तू है तो जग साथ है, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है।